स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम करेंगे अरिहंत बुक का इंग्लिश का क्लास नाइन्थ का जो हमारा टर्म फर्स्ट मूवमेंट्स बुक का जो हमारा लास्ट चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस की हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे ठीक है तो इस जो मूवमेंट्स बुक का आपके जो तीन चैप्टर्स हैं पहले के उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ अपने चैनल पर तो वीडियो का जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं तीनों चैप्टर्स के लिंक्स uh, डाल दूँगी ठीक है तो आप जाके पढ़ सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एम सीरीज चल रही है ये तो वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा तो चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड एम तो पहला दे रखा है आपको रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो तो या आपको एक्सट्रैक्ट को रीड करना है और आप, आप, आपको आंसर्स देने हैं ठीक है आई विल पुट अप दियर हीज़ अ फाइन पोजीशन विदेंटी ऑफ फ्रेश एयर एज ही

कि मैं कहाँ पर रेस्ट करूँ तो उसको एक प्रि हैप्पी प्रिंस का एक स्टैचू मिला था जहाँ पे उसके फीड पर उसको एक बहुत ही फ्रेश एयर वाला एक मिल रहा था लाइक अ गोल्डन बेडरूम जहाँ पे वो रेस्ट करने के लिए वहाँ पर रुका ठीक है तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं फर्स्ट आपको तेरा का है वी केम टू पुट अप अंडर द गोल्डन स्टैचू कौन जो है वो गोल्डन स्टैचू जो कि हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है उसके नीचे आके रुका था उसके उनके फीट पे रुक गया था वो ठीक है तो ये पिक्चर्स आप देख सकते हो पिक्चर्स आपको गिवन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो आंसर क्या बन जाता है इसका आपका डी ऑप्शन बन जाता है दैट इज अ स्वेलो बर्ड स्वेलो बर्ड जो है वो रेस्ट करने के लिए हैप्पी प्रिंस के स्टैचू पर बैठी थी वहाँ पे लेट के ले, लिए सोने के लिए रेस्ट करने के लिए ठीक है सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं द फ्रेज पुट अप इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स पुट अप का क्या मतलब है आपको ये इसमें बताना है देखो पुटअप कहाँ पे दे रखा है आपको स्टार्टिंग में एक्सट्रैक्ट में लाइन में आपको दे रखा है तो इसका क्या मतलब है टू स्टे टू वेट टू ग्रीड या टू स्लीप तो आंसर क्या होता है कि टू स्टे वो बोलता है कि मैं वहां पर रुकूंगा वहां पे उस stage पर रुकूंगा ठीक है वहां पे क्या आएगी फ्रेश एयर लगेगी मुझे ठीक है तो इसका क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है इतना क्लियर हो गया चलो आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे चूज द ऑप्शन ड नॉट कोरस्पॉन्ड टू दर्ड अलाइटेड आपको एक वर्ड दे रखा है अलाइटेड ठीक है उसका बताना है कि उससे कौन सा जो है मैच नहीं करता है ठीक है चार ऑप्शन आप पढ़ सकते हो इसमें से आप बताओ जल्दी से कौन सा करेक्ट है ओके okay. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो ए हो जाता है दैट इज फ्लोट फ्लोट बिल्कुल गलत है जो इसमें जो आपको बी ऑप्शन दे रखा है दैट इज पर्च उसका मतलब होता है बरस आ, बरसना ठीक है और जो आपको थर्ड ऑप्शन दे रखा है दैट इज डिसेंट उसका मतलब होता है कि उतारना और आपको लैंड दिख ही रहा है कि उतरना आ, वहां पर रुकना तो ये सारी चीज जो है वो लाइटेड है कि मैं वहाँ पे हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास जो है वहाँ पे मैं रुकूंगा लेकिन एक एप्शन जो है फ्लोट वो मतलब फ्लोट का क्या मतलब होता है कि उस पर मैं फ्लोट करूंगा नहीं तो ये ऑप्शन जो है वो मैच नहीं करता है ठीक है चलो फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं आई वॉज नॉट एबल टू गो टू स्लीप बिकॉज मैं सोने के लिए नहीं जा पाया क्यों नहीं जा पाया आई कौन बोला गया है इसके अंदर ही गॉट डिस्टर्ब बाय द लॉइड नॉइजेज ही वॉन्ट टू हैव सम फन ही गॉट ड्रिंस्ड ही डज नॉट ही डिड नॉट क्वाइट लाइक द प्लेस ही वॉज रेस्टिंग एट तो ड्रिंच का मतलब क्या होता है ड्रिंच का मतलब होता है कि पूरी तरह भीग जाना कि स्वेलो बर्ड जो है जिसमें उसकी बात की गई है वो क्यों नहीं सो पाई सो नहीं पाया था क्योंकि वो पूरी तरह भीग गया था ठीक है तो सी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका करेक्ट हो जाता है आगे चलते हैं फिफ्थ पे वाई डिड आई दैट आई ही हैज अ गोल्डन बेडरूम आई हो डिड आई से कौन जो है आई जिसने ये चीज़ बोली थी कि मेरे पास तो कोई गोल्डन बेडरूम है लाइक like एक फनी वे में बोला था ठीक है एज ही लाइक द स्टैचू वेरी मच एज ही वाज लाइक टू स्लीप ऑन द गोल्डन बेड एज द स्टैचू वाज लाइक डिड विद द थिन लिप्स ऑफ द फाइन गोल्ड एज ही फेल कंफर्टेबल लेंग दे तो इसमें से आपको बताना है ओके okay. तो सोचो और जल्दी से मुझे आंसर दो तो हाँ जी बिल्कुल करेक्ट बोला आपने आपका आंसर हो जाता है सी कि स्टैचू के ऊपर जो है एक फाइन लीव्स का एक गोल्ड गोल्डन गोल्ड था उस मतलब स्टैचू की जो बॉडी थी उस पर क्या लगा हुआ था एक गोल्डन लीव्स का एक फाइन गोल्ड लगा हुआ था जिसकी वजह से स्वेलो बर्ड ने क्या बोला था कि ये एक गोल्डन बेडरूम है मुझे एक गोल्डन बेडरूम मिला है सोने के लिए तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है एज स्टैचू गाइडेड विद थिन लीव्स ऑफ द फाइन ईयर मतलब वो उसके ऊपर जो है स्टैचू के ऊपर जो है थिन लीव्स का ऑफ फाइन गोल्ड का

And he has a large and a dreamy eyes. He is try to finish a play for the director of the theater but he is too cold to write any more. There is no fire in the grate and the hungry has made him faint. Okay, तो extract कब काय? जब swallow bird जो हैं, ये जो swallow bird हैं, जिन्होंने यहाँ पे prince की मदद की, गरीब लोगों को, मतलब जिसको help की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसकी help करने में मदद की, ठीक है? तो उस swallow bird ने एक आदमी की मदद की थी जो कि अपना प्ले को फिनिश करने की कोशिश कर रहा था आपको थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा तो इससे रिलेटेड क्या है कि देख लेते हैं हम क्या क्या गिवन है हमें विच लिटरेसी डिवाइस इज यूज इन द लाइन हिज लिप्स हिज लिप्स आर रेड एज अ प्रोमो एंड एंड हंगर तो आपको लिटरेसी डिवाइस में बताना है कि कौन सा है ठीक है तो आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए होंगे सारे डिवाइजिस इंपॉर्टेंट है एक ना एक दो एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम से में पूछा ही जाता है ठीक है एमसीक्यूज में स्पेशली तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बन जाता है दैट इज़ बी ठीक है इतना क्लियर हो गया अब मैं आपको ये अगर आपको ये चीज़ पढ़नी है लिटरेस डिजेस सारे पढ़ने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना मैं आपको पढ़ा दूंगी ठीक है जितने भी होते हैं मैं सारे एक वीडियो में ही मैं कंप्लीट कर दूंगी ओके आगे चलते हैं हु स्पोक द वर्ड इन द अब एक्स्ट्रैक्ट एंड होम ऊपर जो वर्ड्स बोले गए हैं इस एक्स्ट्रैक्ट में वो कौन किसको बोल रहा है यह आपको बताना है देखो ये जो एक्स्ट्रैक्ट आपको दे रखा है ही इज लीनिंग ओवर द डेस्क कवर्ड विद द पेपर एंड द ग्लांस ये साइड तो ये तो पूरी स्टोरी सुनाई जा रही है ठीक है ये स्टोरी किसको सुनाई जा रही है हैप्पी प्रिंस जो है, वो स्वेलो बर्ड को ये स्टोरी ये सुना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है सी बैठ जाता है कि हैप्पी प्रिंस जो है वो किसको सुना रहे हैं स्टोरी लिटिल स्वेलो को सुना रहे हैं ठीक है चलो थर्ड पे चलते हैं द फ्रेज बंच ऑफ विथर्ड वॉलेट्स मींस इसका क्या मतलब है आपको ये बताना है ठीक है तो ये तो आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा अगर आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ी होगी ठीक है तो इसका करेक्ट बन जाता है ए ड्राई एंड एंडिंग ठीक है ओके फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं पिक द ऑप्शन क्लासिफाइन फैक्ट्स एंड द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो तो अब ये फैक्ट्स एंड ओपिनियन वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है तो अब आपको देखना है बताना है कि कौन फैक्ट है और कौन सा ऑप्शन है ओपिनियन है आपका ठीक है तो चलो देखते हैं सबसे पहले हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऊपर आपको ऑप्शन भी गिवन है ऐसे फैक्ट्स और ऑप्शन आपको ऐसे गिवन है तो इन चारों में से आपको ढूंढना है ठीक है तो चलो देखते हैं सबसे पहले क्या क्या हमें फैक्ट्स है और क्या क्या ओपिनियन है आई थिंक यंग मैन वॉज अ पुअर फेलो तो वो जो यंग मैन है इस पैराग्राफ में जो दे रखा है वो एक पुअर फेलो है ये हमारा एक फैक्ट है ठीक है आई थिंक यंग मैन वॉज एन एम्बिशियस पर्सन एम्बिशियस पर्सन ये चीज़ बुक में गिवन नहीं है कि ऐसा एक एम्बिशियस पर्सन उसको बोला गया है वो हम एक ओपिनियन दे रहे हैं आई थिंक यंग मैन वॉज अ हार्ड वर्किंग फेलो तो ये भी आपका एक ओपिनियन बन जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है आई फेल the young मैन वॉज वेरी हंग्री ये भी हमें लगता है कि वो शायद बहुत ज़्यादा भूखा है जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है वो बहुत सादा हंगरी हो रहा है जिसकी वजह से वो फेंड हो रहा है ठीक है तो फर्स्ट आपका ओपी फैक्ट है और सारे ओपिनियंस आपके तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है देख सकते हो आप ए ही बैठ जाता है आपका फैक्ट ओनली फर्स्ट है एंड ओपिनियन उप, आपका सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ है ठीक है चलो फिफ्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं फिफ्थ क्या दे रखा है विच वर्ड डज विथर्ट नॉट कॉरस्पॉन्ड टू अब आपको एक और वर्ड आपको गिवन दे रखा है आपको उसका कॉरस्पॉन्ड आपको बताना है तो आप बता सकते हो देखो बहुत ही आसान वर्ड्स हैं ऑप्शंस है, में ओके okay. तो आपको आंसर पता चल गया होगा दैट इज सी फ्लोरिश ठीक है क्योंकि हमने अभी अभी एक क्वेश्चन -एक -एक में पढ़ा है कि इसका मतलब क्या होता है ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका मतलब होता है ड्राइंग ड्राई एंड डिकिंग ठीक है ओके तो इसमें से क्या हो जाता है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्ड एक्सट्रैक्ट पे चलते हैं अब हम थर्ड एक्सट्रैक्ट क्या दे रखा है देखते हैं वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमिंग दैट द बर्ड्स आर नॉट अलाउड टू डाई हेयर एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नॉट लॉन्गर ब्यूटीफुलज ही इज़ नॉट लॉन्गर यूजफुल सेट द आर्ट प्रोफेसर ऑफ द एट द यूनिवर्सिटी तो अब ये कुछ लास्ट की कुछ लाइंस आपको गिवन हैं कि जब स्टैचू जो है वो बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है सब कुछ चला गया सफारी स्टोन्स गोल्ड वगैरह सब कुछ चला गया है तो वहाँ पे जो क्लर्क है टाउन क्लर्क वो एक सजेशन के नोट लगा देते हैं कि यहाँ पे बर्ड्स का मरना अलाउ नहीं है एंड ऑल ठीक है तो ये आपको गिवन है चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपको याद आ गया होगा ई वाई द वाई वॉज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस नो लॉन्ग ब्यूटीफुल एंड द यूजफुल तो आपको बताना हैप्पी प्रिंस का स्टैचू जो है वो अब ब्यूटीफुल इतना यूजफुल आगे क्यों नहीं है ठीक है आपको वो चीज़ आपको बतानी है तो देखते हैं इट वॉज शैबी देर वॉज नो स्टोन लेफ्ट ऑन द स्टैचूर टेकन ऑफ तो आपको इसमें से बताना है ओके okay. तो देखो कौन सा आपका हो सकता है तीनों ही आपसे ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शैबी हो गया था उसमें से कोई भी स्टोन बचा ही नहीं था ना ही कोई गोल्ड लीव्स आपकी बची थी हैप्पी प्रिंस की बची थी तो जिसकी वजह से जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो इतना ब्यूटीफुल एंड यूजफुल बिल्कुल भी नहीं है तो सारे ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है ठीक है चलो सेकेंड पे चलते हैं हु पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड वॉय किसने जो है हैप्पी प्रिंस का स्टैचू जो है उसको पुल डाउन किया था उतारा था पीपल ऑफ द सिटी पुल्ड इट डाउन एज ही वॉज लुक शेबी पीपल ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंपनी ये तो बिल्कुल ही गलत है बी वाला ठीक है सी द थ्रिएटर पीपल पुल्ड इट डाउन ये भी आपका गलत है थ्रिएटर पीपल की तो बात ये ही नहीं गई है डी वाला जो है दाउन द टाउन अथॉरिटीज़ पुल्ड इट डाउन ड्यू टू दर्डर गिवन टू द मेयर देखो अब आपका ए ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है कि लोगों ने खुद ही उतार दिया क्योंकि वो शावी लग रहा था बुरा सा लग रहा था ठीक है तो डी ऑप्शन आपका बचता है जो कि बिल्कुल करेक्ट है कि टाउन अथॉरिटीज ने उस तैज को उतरवा दिया था ठीक है तो डी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका करेक्ट हो जाता है चलो जो थर्ड क्वेश्चन है थर्ड पे चलते हैं द फ्रेज पुल डाउन मीन्स पुल डाउन का क्या मतलब है टू रिमूव टू मॉडिफाई टू डिस्ट्रॉय टू पुल इट अ साइड तो आपका क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि टू डिस्ट्रॉय ठीक है आपको इसका मतलब ऑलरेडी पता ही होगा क्या 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 होता है फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट द इज जो स्टैचू के लिए जो स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बतानी है स्टैचू के लिए ठीक है ही वॉज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल अब स्टैचू ब्यूटिफुल नहीं है बिल्कुल करेक्ट ही वॉज नो लॉन्गर यूजफुल फॉर द टाउन अब इसमें टाउन के लिए बोला गया है लेकिन स्टैचू के लिए बात नहीं करी गई है तो सेकेंड ऑप्शन आपका गलत है ही वॉज एडमायर फॉर दिस सेक्रीफाइस अब ये स्टैचू की बात की गई है इसमें तो दैट इज थर्ड इज करेक्ट तो आपका क्या है फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट हो जाता है तो ऑप्शन में आप नीचे देखो आपका डी ऑप्शन गिवन है आपको फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है फिफ्थ देख लेते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इन इज इन करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड प्रोक्लेमेशन ठीक है प्रोक्लेमेशन तो आपको बताना है कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो इनकरेक्ट है इस वर्ड के अकॉर्डिंग अनाउंसमेंट डिक्लेरेशन आर्ग्यूमेंटेशन एंड स्टेटमेंट तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है दैट इज सी आर्ग्यूमेंटेशन ओके okay. अब चलते हैं हम एम सीक्यूज इज बेस्ड ऑन द ऑनप्लीट चैप्टर ठीक है फर्स्ट है हमारा एंड अ रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वर्ड हिल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फ्रेज तो हॉल्ड का मतलब आपको बताना है हॉल्ड का क्या मतलब होता है द वीकर पार्ट ऑफ द स्वर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द द हैंडल ऑफ द स्वर्ड एंड द कवर ऑफ द ब्लेड ऑफ द स्वर्ड तो आपको बताना है इसमें क्या करेक्ट है देखो तो आपको पता है कि हैंडल ऑफ द स्वॉर्ड ये आपका करेक्ट ऑप्शन होता है तो दैट इज सी तलवार का जो ऊपर का जो हैंडल होता है उसको बोला गया है ठीक है ओके स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार सेकंड पे चलते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड द फ्रेंड्स ऑफ द स्वेलो हार्ड गॉन अ वे टू द इजिप्ट टैश उसके जो फ्रेंड्स हैं स्वेलो के जो फ्रेंड्स हैं वो जा चुके हैं इजिप्ट कितने टाइम से पहले टू वीक्स फाइव वीक्स सिक्स वीक्स सिक्स मंथ्स और सिक्स वीक्स तो ये बहुत एक डीप क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है कि कितने वीक्स पहले जो उसके फ्रेंड्स जो हैं वो गए हैं तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका सिक्स वीक्स पहले उसके फ्रेंड्स ऑलरेडी जा चुके हैं किसके फ्रेंड्स स्वेलो पोर्ट की लिटिल स्वेलो की

और ये मतलब पानी आ कहाँ से रहा है आसमान में तो कोई बादल नहीं है मतलब ये चीज़ आप बोल सकते हो गुरु थिंग दैट इज बी आपका करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है जब उसके ऊपर पानी की बूंद जो है वो क्या होती है वो गिर जाती है चलो फोर देखते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इसमें जो है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है वो आपको बताना है इनिशियली द स्वेलो फाउंड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस यूजलेस स्वेलो बर्ड ने स्टैचू को लाइक अ यूजफुल नहीं माना तो ये आपका फॉल्स है ठीक है तो बी पे देखते हैं हम आगे भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं बी जो है द स्टैचू लुक ब्यूटिफुल इन द मून लाइट द येलो रूबी ग्लोड ऑन द स्वाड हिल द स्टैचू हार्ड अ लीव्स ऑन इट तो देखो डी बिल्कुल करेक्ट है कि स्टैचू के ऊपर जो है वो लीव्स लगे हुए थे रूबी स्टोन लगा हुआ था स्कॉड पे ये भी बिल्कुल ट्रू है स्टैचू जो है वो मून लाइट में वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता था ये भी बिल्कुल करेक्ट है जो आपका ए वाला था वो ही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि स्वेलो बर्ड जो है वो हैपी प्रिंस और स्टैचू को यूजलेस मानता था ये तो बात की ही नहीं गई है ठीक है तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है फिफ्थ पे चलते हैं फिफ्थ क्या दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन

ये हो जाता है वो बोलता है आई एम अ हैप्पी प्रिंस जब सेलोवर्ड पूछता है कि देखो तुमने क्या किया कि तुम रो क्यों रहे तुम हो कौन तो वो बोलते हैं कि आई एम अ हैप्पी प्रिंस ठीक है व्हाई वाज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वीपिंग वो रो क्यों रहे थे सीइंग द मिस्ट्रीज ऑफ द पीपल सी पीपल क्राई फॉर देयर पॉवर्टी सीइंग द अग्लीनेस ऑफ दिस हिज सोसाइटी या फिर ऑल ऑफ अपाव तो सिक्स का जो है वो टी ऑप्शन करेक्ट बैठ जाता है दैट इज़ ऑल ऑफ दिस लोगों को लोग कितना ज़्यादा सैड है प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में ये सब देख के हो रहे थे और जितनी गरीबी है उसकी वजह से ये सब पीपल कितना रो रहे हैं लोग कितना रो रहे हैं ये देख के भी वो रो रहे थे और हमारी सिटी में कितनी ज़्यादा अगलीनेस है प्रिंस की सिटी में कितनी ज़्यादा अगलीनेस है इसको भी देख कर, तो आपको ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है सेवन देखते हैं वाई डिड द स्वेलो थिंग टू हिमसेल्फ हेयरिंग दैट द स्टैचू हार्ड वॉज मेड ऑफ ऑफ एड चेलो क्या सोचने लग गया था जब उसने ये चीज सुनी थी कि उनका जो हार्ट है उनका जो हार्ट है वो एक लिड से बना हुआ है इज द स्टैचू इज नॉट अ प्योर गोल्ड इज द स्टैचू मेड ऑफ आई एम नॉट लगी नॉट टू बी द स्टैचू आई शुड लीव फ्रॉम हिम एज सुन एज पॉसिबल तो करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है आपका ए बैठ जाता है कि ये जो स्टैचू है ये गोल्ड का आखिर नहीं बना हुआ है पूरा लाइक उसने ऐसा मन में बोला था ठीक है वाई वॉज द सीम स्ट्रेस स्ट्रेसर डूइंग ड्रेस फॉर द क्वीन मेड ऑफ दोज तो ये चीज तो आपको पता ही है क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका बी ऑप्शन होना चाहिए कि वो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही थी फ्लावर्स लगा रही थी सैटन के गाउन पे ठीक है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है नाइन्थ पे चलते हैं ये चीज स्टैचू ने क्यों बोली थी कि स्वेलो बोर्ड को कि मेरा रुबी ले जाओ और सीम सेंसर को दे दो बिकॉज़ द स्टैचू did not wants to go because the statue did not like this steam sensors sun because the statue could not move from the pedestal ya fir all of the above तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि वो, वो उनका जो पैर है स्टैचू जो है वो मूव नहीं कर सकता तो उनके पैर जो है वो नीचे एक लाइक आप बोल सकते हो एक नीचे का एक पार्ट है उससे अटैच्ड है वो मूव नहीं कर सकता है स्थाजों तो सी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका करेक्ट हो जाता है टेंथ क्या दे रखा है वेयर इज द स्वेलो इन द गिवन इमेज गिविन गोइंग विद द रूबी इन हिज ब्रेक तो ब्रेक के टाइम पर स्वेलो बर्ड जो है इस इमेज में जैसे आपको दिख रहा है वो रूबी लेके कहाँ जा रहा है टू द राइटर टू द सीम स्टैटर टू द मेयर टू द कौन अभी हमने पीछे बात की है तो किसके पास जा रहा है सीम स्टर के पास जा रहा है जो कि एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है क्वीन की ड्रेस पर ठीक है 11 जो तेरा का है ही शंक इन टू द डिलीशियसबो वट डज द लाइन मीन्स इस लाइन का क्या मतलब है आपको ये बताना है देखो ऑप्शन आपको गिवन है मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है हाँ जी बिल्कुल करेक्ट बच्चों ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है द लिटिल बॉय गॉड इन टू अ डीप द स्वेलो फैंड ओवर हिम जब उसको फीवर था तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी जिसकी वजह से लिटिल स्पेलो ने जो है उसको फैन किया जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छे से सो पाया वाट इज़ द ओनली थिंग दैट द सीम स्टेज कैन गिव टू हिज सन क्या एक एक ही चीज़ थी जो सीम स्टेजर जो है वो अपने बेटे को दे सकती थी दैट इज एप्पल रिवर वाटर टाइप वाटर या पीस ऑफ ब्रेड तो कोर्स वो क्या दे सकती थी वो रिवर वाटर ही उसे दे सकती थी फॉर्मिंग स्टेटमेंट इज ट्रू इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है ठीक है ऑप्शन आप देख सकते हो सारी स्टेटमेंट आपकी गलत है लेकिन एक स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है जो की है बी दू वार्मिकुइंग ऑफ द गुड एक्शन ये तो चैप्टर में भी बात की गई है कि उसने कुछ अच्छा काम किया जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा वॉर्म फील हो रहा है उसे बहुत ज्यादा गर्म फील हो रहा है ठीक है फोर्टीन देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन थिंकिंग ऑलवेज मेड द लिटिल्स वेलो तो आपको एक स्टेटमेंट आपको गिवन है करेक्ट ऑप्शन आपको उसको फिल करना है कंफ्यूज आईट्स एड समीपी थिंकिंग ऑलवेज मेड द लिटल्स वेलो जब भी वो सोचता था तो उसे क्या आ जाती थी उसे हमेशा नींद आ जाती थी ठीक है उसे नींद आ जाती थी तो डी ऑप्शन तो क्या हो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है दैट इज स्लीपी फिफ्टीन देख लेते हैं हैप्पी प्रिंस द द फ्रॉम फ्रॉम गोइंग टाइम उसने क्यों रोक लिया था टाइम हैप्पी प्रिंस ने लिटिल uh, स्वेलो को किसकी हेल्प करने के लिए रोक लिया था ऑप्शन आप देख सकते हो ओके करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है आपका बी हो जाता है प्ले राइटर की हेल्प करने के लिए जो है स्वेलो बर्ड को रोक लिया था सिक्सटीन पे तो चलते हैं ओके वाई डिड द हैप्पी प्रिंस से अबाउट द सफ़ायर इन हिस आइस उन्होंने क्या बोला था सफायर इन द जो उनकी आइज में सफ़ायर स्टोन लगा हुआ था उसके बारे में क्या बोला था दे आर रेयर सफायर्स दे अमेरिका दे वर ब्रॉड आउट ऑफ द इंडिया अ थाउजेंड ईर अगो दे द चीप क्वालिटी तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि एक रेयर सफायर स्टोन है ठीक है और जो है जो आपका थर्ड वाला है देवर प्राउड आउट ऑफ इंडिया पहले लाया गया बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है पे तो चलते हैं so, यूज किया गया ये वर्ड तो आपको ऑप्शन को चूज करना है लाइक अ मैच मैच यस बिल्कुल करेक्ट आपका एडमोन्ड गैलेट तो so, आपका जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ठीक है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है है एटीन देख लेते हैं जो है वो इजिप्ट क्यों जाना चाहता है बिकॉज इट वॉज द सिटी वेन ही कुड नॉट बेयर इन द इजिप्ट द सन वॉज वॉर्म और ग्रीन पाम ट्रीज तो आपको बताओ ये दोनों स्टेटमेंट गलत है सही है कैसी है कौन कौन सी सही है फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ठंड में जो है वो बर्ड्स बेयर नहीं कर सकती वो मर जाती हैं तो जिसकी वजह से वो वेदर उसके लिए कंफर्टेबल नहीं था और जो है इजिप्ट में बहुत ही उसे वार्म मिलेगा लेगा वहाँ का सूरज जो है बिल्कुल गर्म होगा तो ये सेकंड में बिल्कुल करेक्ट है तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट ठीक है नाइनटीन पे चलते हैं वाई डिड द मैच ऑफ द मैच गर्ल गॉड पॉइल्ड तो कैसे जो है उसमें आजकल की जो माचेस हैं वो स्पॉयल हो गई थी वो क्या हो गई थी गीली हो गई थी वो यूज हो गई थी या फिर वो फ्रोजन हो गई थी या फिर वो गटर में गिर गई थी आपको करेक्ट ऑप्शन आपको पता ही है कि वो गटर में गिर गई थी तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है ट्वेंटी एथ चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द मैच कल मैचकल के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है वो आपको बताना है शी हैड नो शूज और स्टॉकिंग हर लिटल हैड इज बेयर ही शी हैज गिवन सम मैच टू हवर फ्रेंड शी इज क्राइंग तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड बिल्कुल करेक्ट हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई शूज़ और स्टॉकिंग नहीं थे जिससे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी थी और उसका जो लिटल हेड है वो भी बिल्कुल खाली था ठीक है तो इस अकॉर्डिंग जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट ठीक है ट्वेंटी फर्स्ट चलते हैं वाई वॉज दिस वेलो नॉट रेडी टू पल द टैच सेकेंड आईज़ क्यों सैलो बर्ड जो है रेडी नहीं था कि स्टैचू की वो सेकेंड आइज भी निकाल दे क्योंकि फिर हैप्पी प्रिंस देख नहीं पाएंगे ठीक है तो वो क्यों चाहता था ऐसा क्यों निकालना नहीं चाहता था ऑप्शन आप देख सकते हो येस yes, क्योंकि वो ब्लाइंड हो जाएंगे वो सिटी को नहीं देख पाएंगे तो ए ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है 22 देख लेते हैं वाई डिड वट डिड द मैच गर्ल्स सी ऑन सीन द ज्वेलरी ज्वेलरी जो स्वेलो बड़े देखा गया था उसको देखने के बाद मैच गर्ल जो है वो क्या बोलती है लवली 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 पीस पीस ओ हाउ ज्वेलरी ऑफ तो उसने क्या ये चीज बोली थी थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है कि उसने बोला था वट अ लवली पीस ऑफ क्लास क्योंकि उसको नहीं पता था कि आखिर वो चीज आखिर क्या है ठीक है 22 हो आप हो गया आपका 23 पे चलते हैं व्हाई डिड द स्वेलो डिसाइडेड टू स्टे विद द हैप्पी प्रिंस स्वेलो बर्ड ने ये चीज क्यों डिसाइड की थी कि मैं हैप्पी प्रिंस के साथ ही रहूँगा? ऑप्शंस आप देख सकते हो मैं बार-बार ऑप्शंस -बार नहीं पढ़ रही हूं आप देख लो एक बार तो आपका जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है कि बोथ ए एंड बी कि वो ब्लाइंड भी हो गए थे जिसकी वजह से जो है स्वेलो वर्ड वहाँ पर रुक गया था और वो उनकी आइज बन गया था और उन्होंने बता रहा था कि सिटी में क्या क्या चीजें हो रही हैं तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है ठीक है ट्वेंटी फोर्थ देख लेते हैं वट ऑल डिड द स्वेलो सी वैन ही वॉज फ्लाइंग ओवर द सिटी जब सिटी पे वो फ्लाई कर रहा था तो स्वेलो बर्ड ने क्या क्या चीजें देखी थी इसमें आपको ऑप्शन तो नहीं गिवन है मैं सिर्फ ये चेक कर लेती हूँ ठीक है आपको ऑप्शन इसके अंदर गिवन है आप देख सकते हो तो इसमें से क्या क्या चीजें करेक्ट हैं वो आपको बतानी है

बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है वो उनके साथ हमेशा रहना चाहता था इसीलिए वो इजिप्ट नहीं गया ठीक है ट्वेंटी सिक्स देख लेते हैं हाउ डिड द स्वेलो सर्वाइव द कोल्ड वेदर कैसे जो है वो कोल्ड वेदर में सर्वाइव कर पाया आप ऑप्शन देख सकते हो

ऑप्शन आप देख सकते हो तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है कि ये तब की बात है जब सारे गोल्ड लीव्स वगैरह सब कुछ उन्होंने प्रिंस ने लिटिल स्वेलो की हेल्प से सबको दे दी थी जिन जिन लोगों को जरूरत थी तो वो बैगर से बेटर लग रहा था मतलब जो भीख मांगते हैं उन लोगों से वो बेटर लग रहा था स्टैचू ठीक है ट्वेंटी पे चलते हैं वेन डिड द स्वेलो किस द हैप्पी प्रिंस उसने कब हैप्पी प्रिंस को किस किया था ऑप्शन आप देख सकते हो कि जब वो इजिप्ट गया था जब उसकी गोल्ड लिप्स निकाल ली थी या मरने वाला था या फिर जब वो सीम सर के पास गया था तो आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहेगा आपको सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि जब वो मरने वाला था ठीक है आगे भी है हमारे ट्वेंटी नाइन्थ देख लो विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द एंजल ऑफ द गॉड टू हिम तो एंजल ऑफ द गॉड क्या क्या चीजें लेकर गई थी ओनली वन टू थ्री तो आप देख सकते हो तीनों में आपको क्या क्या दिख रहा है वैसे तो मुझे कुछ क्लैरिटी आपको मुझे दिख नहीं रही है ओके okay. आप देख सकते हो एक बार ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि पिक्चर्स में क्या दे रखा है बट मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा बहुत आपको दिख ही रहा है फर्स्ट वाला जो है वो उनके बाद दिल लेके गई थी और स्वेलो बर्ड का जो बॉडी उसको लेके तो ए ऑप्शन करेक्ट है ओनली वन ठीक है आगे चलते हैं थर्टी पे व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी इस स्टोरी का थीम क्या है सेल्फिशनेस हैप्पीनेस लव बिटवीन एनिमल्स एंड द एंड काइंडनेस एंड द मिस्ट्रीज ऑफ द दुअर तो आपका जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो है दैट इज सेक्रीफाइस एंड द काइंडनेस ठीक है वट मॉरल वैल्यूज कैन बी इनफियड फ्रॉम द स्टोरी मॉरल वैल्यूज क्या बताई गई है इसके अंदर आपको बताना है इनर ब्यूटी इज मोर वैल्यूबल दैन द अदर ब्यूटी हाँ इनर ब्यूटी मैटर करती है मोर वैल्यूबल है आउटर ब्यूटी सेम वी शुड हेल्प द नीडी पीपल एज वी कैन हमें जितने भी नीडी पीपल हैं जिनको ज़रूरत है हमें उन्हें देना चाहिए उनकी हेल्प करनी चाहिए गॉड विल ऑलवेज अप्रिशिएट द काइंड पीपल काइंड लोगों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और ये भी बात बिल्कुल सच है तो डी ऑप्शन का आपका करेक्ट हो जाता है ऑल ऑफ द अप तो यहाँ पे आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रैक्ट बेस भी और फुल कंप्लीट चैप्टर पे जितने भी एम थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं तो आई होप आपको सारे भी आ, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इसके बाद हम बिलीव चैप्टर बिलीव्स बुक का जो है उसके चैप्टर्स हम स्टार्ट करेंगे ठीक है पोएम प्लस चैप्टर्स के एम ठीक है तो सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलती है नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच एंड बाय बाय